नमस्कार दोस्तों, अभी अभी की बड़ी खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहां पर खबर मिलते ही पूरा पुलिस प्रशासन आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। खबर सामने आ रही है राजस्थान के जोधपुर बालेसर से, जहां पर एक प्रेमी युगल की ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक दोनों के साथ बुधवार सुबह 10 बजे घर से 5 किलोमीटर दूर नहर से मिले। फिलहाल मामला बालेसर के चामू थाना के राजासर गाँव का है। चामू थाने के एसआई मांगीलाल बिश्नोई के मुताबिक राजासर गांव में चचेरे बहन भाई कविता पुत्री कानीराम भील और हीराराम पुत्र पुरखराम दोनों की ये जानकारी सामने आ रही है। पिछले 3 साल से दोनों के बीच नजदीकियां थी। बताया जा रहा है कि यहां कविता शादीशुदा थी और पिछले 1.5 महीने से पहले सावन के लिए पीहर में थी और यहाँ पर अब बीते दिन उसका पति उसे ससुराल लेने पहुँचा और यहाँ पर ससुराल में जाते ही उन्होंने रात 2 बजे पति से उठकर कहा कि माँ के पास जाना है और वापस आती हूँ। पति वापस सो गया लेकिन कविता वापस नहीं आई और सुबह गाँव वालों ने जब देखा तो पता चला कि कविता घर पर नहीं है। घर वाले लगातार उनकी तलाश में जुटे रहे और इसके बीच लगातार तलाश करते हुए यहां पर हीराराम के घर पहुंचे तो हीराराम मौजूद नहीं था। इसी दौरान पूरे मामले का खुलासा हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक कविता के ताऊ जबराराम के मुताबिक कविता के पटदादा जोनाराम और हीराराम के पटदादा धोकलाराम सगे भाई थे। ऐसे में कविता और हीराराम रिश्ते में चचेरे भाई बहन लगते हैं। इस कदर उन्होंने पिछले 3 साल से दोनों के बीच नजदीकियां थी और घर पर आना जाना था, इसी दौरान उन्होंने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। सो दोस्तों, तमाम खबरों के लिए बने रहिए चैनल पर। नए विजिट करें दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।